आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह की मुश्किलें बढ़ती नजर आ रही है, क्योंकि अब उनके खिलाफ गिरफ्तारी का वारंट जारी कर दिया गया है और संजय सिंह के साथ साथ पूर्व सपा के एमएलए समेत 6 लोगों के खिलाफ ये गैर जमानती वारंट जारी किया है। 23 साल पुराना ये मामला है, जिसमें सुल्तानपुर कोर्ट जो है उन्होंने सख्ती दिखाई है और संजय सिंह समेत कई अन्य नेताओं के खिलाफ जो है गैर जमानती वारंट जारी किया गया है। क्या है ये पूरा माजरा, क्या है 23 साल पुराना मामला जिस मामले में अब कोर्ट ने सख्ती दिखाई है, विस्तार से समझ लेते हैं। आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह, समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता और पूर्व विधायक अनूप संडा समेत 6 लोगों के खिलाफ सुल्तानपुर की एमपी एमएलए कोर्ट ने गैर जमानती वारंट जारी किया है। ये वारंट 23 साल पुराने मामले से जुड़ा हुआ है। वारंट आदेश एमपी एमएलए विशेष न्यायाधीश शुभम वर्मा की कोर्ट ने जारी किया है। अब इस मामले में कोर्ट ने 20 अगस्त को सुनवाई होगी। दरअसल ये मामला है नगर कोतवाली क्षेत्र के गबडिया ओवर ब्रिज के पास का, जहां 23 वर्ष पूर्व 19 जून 2001 को बिजली पानी सहित तमाम जन समस्याओं को लेकर अनूप संडा, संजय सिंह सहित दर्जनों लोगों ने प्रदर्शन किया था। आरोप है कि इन लोगों ने सड़क जाम कर पुतला फूंक कर विरोध जताया था। इसी के साथ तत्कालीन नगर कोतवाली के उप निरीक्षक ने सभी के खिलाफ केस दर्ज करवाया था। मामला दीवानी स्थित एमपी एमएलए कोर्ट में चल रहा था, जिसमें सुनवाई करते हुए कोर्ट ने आप सांसद संजय सिंह, सपा नेता अनूप संडा सहित 6 लोगों को 3 महीने की सजा और 1,500 रुपए जुर्माना का आदेश दिया था, जिसके बाद इन लोगों ने एमपी एमएलए की स्पेशल सेशन कोर्ट में अपील दाखिल की थी, जिसे कोर्ट ने खारिज करते हुए निचली अदालत में हुए आदेश को बहाल रखते हुए 9 अगस्त को सभी को सरेंडर करने का आदेश दिया था। 9 अगस्त को कोर्ट के पीठासीन अधिकारी छुट्टी पर थे, लेकिन अब तक इन सभी लोगों ने कोर्ट में सरेंडर नहीं किया, बल्कि सदन की कार्यवाही में मौजूद रहने की बात कहकर मौका भाग रहे थे। ऐसे में आपको बता दें कि 23 अगस्त को सुनवाई करते हुए कोर्ट ने सख्ती दिखाई और मौका देने से इनकार करते हुए उनकी अपील को निरस्त कर दिया, साथ ही इन सभी के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी कर दिया। यानी कि अब अनूप संडा, संजय सिंह सहित सभी आरोपियों को कोर्ट में पेश होना होगा और ये इसके लिए बहुत बड़ा झटका है। क्यों झटका है? क्योंकि एक तरफ मनीष सिसोदिया जेल से बाहर आए, उनसे ठीक पहले संजय सिंह जेल से बाहर आए थे और अब संजय सिंह की मुश्किलें इस कदर बढ़ रही है कि सिसोदिया जेल से बाहर आए हैं और संजय सिंह को अब जेल के भीतर भेजने की तैयारी हो गई है। तो कहीं ना कहीं अब जो दिल्ली की बागडोर है, जो इतने समय से संजय सिंह के जेल के बाहर आने के बाद से खुशियां मनाई जा रही थी, कहा जा रहा था कि संजय सिंह के हाथ में है, संजय सिंह संभालेंगे, संजय सिंह अपनी तरफ से चीजें करेंगे, लेकिन अब मनीष सिसोदिया के बाहर आने के बाद संजय सिंह का टिकट कटता नजर आ रहा है और यही कारण है कि अब इतने पुराने मामले में भी अब संजय सिंह की मुश्किलें बढ़ती नजर आ रही हैं। जैसा कि हमने आपको साफ तौर पर बताया कि इस मामले को लेकर जो है अब संजय सिंह की परेशानी बढ़ जाएगी। संजय सिंह हाल ही फिलहाल में जेल से बाहर आए हुए थे, उनके जेल से बाहर आने के बाद मनीष सिसोदिया जेल से बाहर आए और अब संजय सिंह को एक बार फिर से जेल में जाने की तैयारी की जा रही है, क्योंकि संजय सिंह के ऊपर ये बहुत पुराना मामला है, 2001 का मामला है और अब इस मामले में कोर्ट ने सख्ती दिखाई है। संजय सिंह लंबे समय से कोर्ट में पेश नहीं हो रहे थे, जिसके बाद अब संजय सिंह को और जितने भी आरोपी हैं उन्हें कोर्ट में पेश होना ही होगा, यानी अनूप संडा, संजय सिंह सहित जितने भी आरोपी हैं उन सभी को कोर्ट में पेश होना होगा। कोर्ट ने अपने तरफ से सख्त लहजे में ये बात कह दी है, इसमें कोई भी अगर आप कहेंगे कि स्पेशल ट्रीटमेंट या स्पेशल प्रिविलेज नहीं मिलने वाला है और अब समय आया है कि संजय सिंह को जो है आखिरकार अब कोर्ट में पेश होना होगा और इस मामले में जो है जवाबदेही देनी होगी। अब आपको बता दें कि अदालत में इन्हें समर्पण करना था लेकिन उन्होंने किया नहीं। उत्तर प्रदेश के सुल्तानपुर में एमपी एमएलए कोर्ट के विशेष मजिस्ट्रेट शुभम वर्मा की कोर्ट ने संजय सिंह, पूर्व सपा विधायक अनूप संडा समेत 4 दोषियों के खिलाफ जो गिरफ्तारी वारंट जारी करने का आदेश दिया है। स्पेशल सेशन कोर्ट की जज जो है एकता वर्मा की अदालत ने सभी दोषियों की अपील को खारिज होने के बाद संबंधित कोर्ट ने सभी को समर्पण करना था, लेकिन अब तक किसी ने भी सरेंडर नहीं किया था। कोर्ट का ये लोग लगातार मौका मांग रहे थे पर कोर्ट ने इस बार कोई मौका देना उचित नहीं समझा, क्योंकि लंबा वक्त हो गया है और ऐसे में पूरी तरीके से जब इन्हें समर्पण
करना था उस वक्त भी उन्होंने कोर्ट के आदेश की अवहेलना की है और अब कोर्ट इन्हें किसी भी तरीके से कोई मौका देने के मूड में जो है नहीं है। MPML विशेष मजिस्ट्रेट की अदालत में आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद और राष्ट्रीय प्रवक्ता संजय सिंह, पूर्व सपा के जो विधायक हैं अनूप संडा समेत 6 आरोपी से करीब 1.5 वर्ष पूर्व दोषी ठहराया गया था और सभी को 3-3 महीने के कारावास और 1,500 रुपए की अर्थदंड की सजा जो है सुनाई गई थी। इस मामले में एक दोषी की अपील अभी भी लंबित बताई जा रही है जबकि शेष 5 दोषियों की अपील खारिज हो चुकी है। अब इस मामले में जो आरोप है, जो सारी चीजें है, वो 2001 का है और अब इस मामले पे कोर्ट ने सख्ती दिखानी शुरू कर दी है। सुल्तानपुर में करीब 23 साल पहले बिजली पानी समेत अन्य समस्याओं के विरोध में इन सभी ने सड़कों पर जो है प्रदर्शन किया था, धरना दिया था और यहाँ पर उन्होंने जो है पुतला फूका था और उस वक्त वहां पर जो तैनात उप निरीक्षक थे अशोक सिंह, उन्होंने 19 जून 2001 को मुकदमा इनके खिलाफ दर्ज कराया था। अब ऐसे में पुलिस ने सिंह, पूर्व विधायक अनूप संडा, पूर्व सभासद कमल श्रीवास्तव, वर्तमान नामित सभासद विजय, पूर्व प्रवक्ता कांग्रेस संतोष कुमार, पूर्व नगर अध्यक्ष भाजपा सुधा जो है सुभाष चौधरी और प्रेम प्रकाश के खिलाफ दाखिल चार्जशीट जो है की हुई थी। ये जो लोग हैं जिनके नाम हमने बताए हैं ये आरोपी हैं और ये आरोपी लोगों को ही अब एक बार फिर से कोर्ट में पेश होने के लिए कहा गया। अब इस मामले में अगली सुनवाई 20 अगस्त को होगी, यानी 20 अगस्त को अब इस मामले में अगली सुनवाई की जाएगी और इस अगली सुनवाई में संजय सिंह को और जितने भी आरोपी हैं सभी को कोर्ट में पेश होने के लिए कहा गया है। अब ये कहा जा रहा है कि अरविंद केजरीवाल जेल के सलाखों के पीछे हैं, अभी हाल फिलहाल में मनीष सिसोदिया आ गए हैं, अब संजय सिंह क्या फिर से गिरफ्तार होंगे, क्या संजय सिंह के लिए ये मामला उनके गले का फांस बन जाएगा, क्या संजय सिंह की गिरफ्तारी हो जाएगी और फिर एक बार एक अलग मामले में तिहाड़ जेल उन्हें जाना पड़ेगा, क्योंकि कहीं ना कहीं कई सारे ऐसे मामले हैं जो समय के साथ और ज्यादा उठ रहे हैं और आम आदमी पार्टी के खिलाफ कई सारे भ्रष्टाचार के अन्य मामले भी निकल कर सामने आ रहे हैं, जिसमें सबसे ज्यादा चर्चा का विषय जो मामला बना वो शराब घोटाला मामला था, क्योंकि इस घोटाले मामले को लेकर खुद अब जो है आम आदमी पार्टी के मुखिया और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ही जेल में बंद है और इसी मामले को लेकर उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया भी जेल में बंद थे और इसी शराब घोटाले मामले को लेकर संजय सिंह को भी जेल में बंद किया गया था। तो कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार के जुड़े कई मामलों में, जिसमें एक मामले में सत्येंद्र जैन भी जेल की सलाखों के पीछे अब तक है, ऐसे ही एक मामला जो है शराब घोटाला भी था, जिस शराब घोटाले मामले को लेकर भ्रष्टाचार के कई तरह के आरोप लगे और इसके बाद भी कई सारे और घोटाले हैं, जैसे क्लासरूम घोटाले का नाम भी सामने आता रहता है, जल बोर्ड घोटाला भी सामने आता रहता है। तो कई ऐसे घोटाले हैं जिस घोटाले में पूरी तरीके से जो ओनरशिप है वो केजरीवाल सरकार के पास है और ऐसे में जल बोर्ड से लेकर अगर आप कहेंगे कि MCD में भी कई तरह की बातें जो है निकल कर सामने आती रहती है और कहा जा रहा है कि धीरे धीरे जैसे LG एक्शन ले रही है, जैसे कई सारे घोटालों पर जांच बिठाई जा रही है, इन सभी घोटालों में बैक टू बैक आम आदमी पार्टी के कई नेताओं का नाम तो निकल कर सामने आ ही रहा है। इसके अलावा भी कई ऐसे मामले हैं जिसमें आम आदमी पार्टी के नेताओं की मुश्किलें लगातार बढ़ती जा रही है, जैसे कि अभी आप देख सकते हैं संजय सिंह का यह 23 साल पुराना मामला जिसमें अब उनके खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जो है जारी कर दिया है, गैर जमानती वारंट उनके खिलाफ जारी किया गया है और ऐसे में इस मामले के वजह से भी आम आदमी पार्टी के नेता की मुश्किलें बढ़ सकती है। तो ऐसे में हमने आपको जो पूरा मामला है ये बड़े विस्तार से बताया कि पूरा मामला क्या है। इस मामले पर अब आपकी भी जो राय हो हमें कॉमेंट सेक्शन में कॉमेंट करके जरूर साझा करिएगा। धन्यवाद।